नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। देश की रक्षा में शहीद सैनिकों का सम्मान और यादों को जिंदा रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ये बात कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कही। उन्होंने कहा कि सैनिक हर परिस्थिति में सीमा पर डटे रहते हैं और जरूरत पड़ने पर जान की बाजी लगा देते हैं। हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व है और इसी कारण हर देश प्रेमी सैनिकों के जज्बे को सलाम करता है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। आपको बता दें कि भनियावाला स्थित वेडिंग पॉइंट में पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन का 29वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिकों के हौसले से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। बताया कि सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है। कार्यक्रम में उन्होंने शहीद हुए सैनिकों के परिजनों और क्षेत्र में बेहतर कार्य करने सामाजिक लोगों को शॉल और पुष्प गुच्छा भेंट करके सम्मानित किया। उत्तराखंड सैनिक व अर्धन संगठन के स्थापना दिवस पर आने का मौका मिला, जिस पर हमने उन वीर माताओं को माननीय महोदय के सम्मानित किया। प्रेस विज्ञप्ति साक्षात्कार के बाद उन्हें हमने उन वीर नारियों को सम्मानित किया जिनका सुहाग इसमें गया। किसी हम किसी शहीद को वापस नहीं जा सकते। रुड़की में 40 वर्षीय जोगेंद्र पुत्र जगपाल रात को करीब 9 बजे पनियाला रोड स्थित अपने ऑफिस पर बैठे थे, तभी 3 या 4 लोग ऑफिस पर आए और जोगेंद्र पर दावतोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने देखा जोगेंद्र खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। जोगेंद्र के परिजन भी मौके पर आए और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जोगेंद्र को मृत घोषित कर दिया। गोलीकांड की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। SP देहात स्वर्ण किशोर और CO रुड़की पल्लवी त्यागी समेत गंगनहर कोतवाल प्रभारी अमरजीत फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी जुटाई, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं सूचना पर हरिद्वार पुलिस कप्तान परमेंद्र डोबाल ने भी रुड़की पहुंचकर घटना की जानकारी ली और बदमाशों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया। उधर हमलावरों की तलाश में जिले भर में पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक प्रॉपर्टी का काम करता था और एक पेट्रोल पंप का स्वामी भी था। तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच में जुटी है। क्षेत्र में पनियाला रोड पर ये जगपाल पुत्र जोगिंदर पुत्र जगपाल अपने घर में थे, अपने ऑफिस में बैठे थे। इस बीच 3 अज्ञात युवक दीवार मार के आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिस पर हॉस्पिटल ले जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। और इस पर अभी हम लोग मौके पर ही आए हैं, सभी चीज़ों का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, जल्दी ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे पर पतंजलि योगपीठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे, जहां पतंजलि योगपीठ के फेज 2 हेलीपैड पर आचार्य बालकृष्ण और भाजपा के विधायक आदेश चौहान, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, विधायक प्रदीप बन्ना, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी सहित भाजपा के नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। साथ ही पतंजलि विश्वविद्यालय में बाबा रामदेव से CM धामी ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। बनाने के लिए भी और राज्य बनने के बाद, इसलिए हमारी मातृशक्ति को मुख्य धारा पर लाना हम सबका पहला प्राथमिकता थी। इसलिए हमने राज्य के अंदर 30% का जो आरक्षण है वो केवल मातृशक्ति के लिए यहाँ पर जो है उसके लिए विधेयक लाकर सुनिश्चित कर दिया कि मातृशक्ति आगे आएगी। इसके साथ साथ देश के अंदर जैसे राम मंदिर की मांग कि राम भगवान राम लला का मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, ऐसी बातें लगातार पूरे देश के अंदर उठती रही। प्रदेश के अंदर भी हमने इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की देवसुंदरी जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए काम करेंगे। खबर पड़कोट से है, जहां चारों धाम की यात्रा पूरे वर्ष खुली रहे, इसी यात्रा को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज रेवाई घाटी के बड़कोट पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चार धाम बंद नहीं होता, बल्कि मीडिया के लोग कपाट बंद का भ्रम फैलाते हैं, जबकि यात्रा पूरे वर्ष चलती रहती है।
सिर्फ शीतकाल में यमुनोत्री धाम में बर्फ ज्यादा गिरने से 6 महीने के लिए माँ यमुना के दर्शन शीतकाल प्रवास खरसाली में होते हैं। इसी प्रकार चारों धामों की यात्रा खुली है, लेकिन शीतकाल प्रवास में भी दर्शन कर सकते हैं। इसी को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से देश विदेश में संदेश देना चाहते हैं कि चार धाम यात्रा पर शीतकाल हो चाहिए या फिर ग्रीष्मकाल हो, यात्रा खुली रहती है, कोई बाध्यता नहीं है। भगवान का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, इसलिए हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं और स्वयं यात्रा करके संदेश देना चाहते हैं कि ग्रीष्मकाल में भी आप आइए, आपको पुण्य लाभ होगा, और शीतकाल में भी आइए, शीतकाल में भी यात्रा जारी है, पूजा जारी है, भगवती प्रत्यक्ष हैं और आपको पुण्य लाभ भी होगा और विशेष होगा शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल की यात्रा में विशेष अनुभव आपको प्राप्त होंगे। सशक्त भू कानून बनाने की मांग को लेकर सितारगंज में कांग्रेसी जनों ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम कानून में संशोधन कर राज्यवासियों के अधिकारियों के साथ खिलवाड़ कर आत्मघाती कदम उठाए हैं। एसडीएम कार्यालय में हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि नए कानून में राज्य की भूमि बाहरी लोगों के लिए बिना किसी सीमा के खरीद फरोख्त के लिए खोल दी। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने स्थानीय लोगों को उद्योगों में रोजगार में 70% आरक्षण देने की जियो जारी किया था, लेकिन यह आदेश कागजों तक ही सीमित है। राज्य में तकनीकी पदों में उद्यमी अनदेखी कर रहे हैं, इससे युवाओं का पलायन हो रहा है। हरदोई में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। दरअसल कोहरे के कारण डंपर और टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हो गए। वहीं टक्कर के बाद डंपर चला रहा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टेम्पो को टक्कर मारने के बाद डंपर खाई में जा घुसा। हादसा घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने की वजह से हुआ। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसा हरियावां थाना क्षेत्र के जतुली पुलिया के पास हुआ है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में रमेश कुमार की न्यू महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से कस्बे में सराफे की दुकान है। बीती रात बेखौफ चोरों ने पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खोलते हुए सराफे की दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर रखी 4 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। चोर जाते जाते अपने साथ सीसीटीवी कैमरे में लगी हार्ड डिस्क को भी साथ लेकर गए। घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचे दुकानदार ने अंदर जाकर देखा तो दुकान के अंदर रखी 4 किलो चांदी गायब थी। दुकानदार रमेश की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर सभी साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद चोरों की तलाश में जुटी है। अमेठी में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोरों ने दुकान के उद्घाटन से पहले ही दुकान में चोरी कर ली है। चोरों ने दुकान में रखे सामान सहित लाखों की चोरी की है। वहीं बेखौफ चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। मामला थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक वारिशगंज का है। पीलीभीत में भाजपा नेता की ओर से एक लिखित शिकायत डीएम को सौंपी गई है, जिसमें जेई पर ठेकेदारी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही पत्नी के नाम से फॉर्म बनाकर काम करने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। भाजपा नेता गौरव अवस्थी ने डीएम से की गई शिकायत में बताया कि नगर पालिका में कार्यरत एक जेई संबद्ध तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। वो प्रतिदिन बरेली से 12 बजे तक कार्यालय पहुंचते हैं, इसके बाद शाम 4 बजे बरेली चले जाते हैं, जिस वजह से शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। शिकायतकर्ता ने इसकी जाँच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शासन स्तर पर शिकायत की है। शिकायतकर्ता गौरव अवस्थी ने यह भी बताया कि वर्तमान में जेई ने अपनी पत्नी के नाम से बरेली लोक निर्माण विभाग में अपना पंजीकरण करा रखा है, जिस पर वो स्वयं काम कर रहे हैं। वो भी आरोप है कि पीलीभीत में जेई की फर्म ने 2 टेंडर अपलोड किए हैं,
उनकी कार्यशैली से नगरपालिका के कार्य भी पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। जो मैंने शिकायत दी वो शिकायत यही नगर पालिका इंद्रजीत सिंह की है। 2016 के बाद का ये यहाँ पर सर्विस करने के लिए नगर पालिका की पूर्व रेगा से आए हैं। साथ ही साथ इतना समय होने के बावजूद उन्होंने एक अपनी फर्म बना रखी है जो एयरटेल कंस्ट्रक्शन के नाम से है, जिसकी प्रोप्राइटर इनकी पत्नी स्वयं हेमलता है। अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले प्रांतीय खंड में 2 टेंडर भी डाले थे, उसका मैंने उल्लेख अपने पत्र में किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप निर्देशानुसार जिले पर मुख्यालय पर अधिकारी को रहना चाहिए। ये 12 बजे बरेली से निकल के आते हैं, शाम को 4 बजे चले जाते हैं। बरेली में ये संजय नगर में सैनिक कॉलोनी में रहते हैं। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई उन्हीं बिंदुओं को मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को स्पष्ट रूप से अपने पत्र पर लिखकर शिकायत की। मामला बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय का स्थान मोड़ स्थित जैदपुर सफदरगंज मार्ग का है, जहां पर घने कोहरे के कारण हाफ डाला और पिकअप में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 112 पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों घायलों चालकों को अस्पताल के लिए उपचार हेतु भेजा गया। मामले की विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस पिकअप में रखी हुई सब्जी सड़क पर बिखर कर तहस नहस हो गई। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम रोरा का है, जहां सुबह करीब 6 बजे खेत पर जा रहे वृद्ध को आरोपी ने हत्या कर दी। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक का आरोपी से पूर्व में मामूली विवाद हुआ था। इसी को लेकर आरोपी मृतक के रंजिश मानता था और आज सुबह वृद्ध अपने खेत पर रखवाली के लिए जा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए आरोपी ने मृतक पर कई बार वार किए और भाग गया। वहीं गांव के लोगों के द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। लहचूरा थाना क्षेत्र के रोरा गांव में ब्रिजलाल अहिरवार, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है, इनकी हत्या आरोपी राजेश, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, इन्होंने कुल्हाड़ी से कर दी है और उन्हीं के द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक जो पक्ष हैं उनकी तरफ से तहरीर लेकर FIR पंजीकृत कर आरोपी को शीघ्र ही जेल भेजा जाएगा। क्या वजह निकल गया? जो प्रथम दृष्टया जो कारण, जो मर्डर हत्या का कारण निकल के आ रहा है कि जो मृतक है इन्होंने कुछ 2022 में इनकी शिकायत की थी कि इनका किसी लड़की से अफेयर है। कहते हैं कि कोर्ट कचहरी में जो एक बार फंस गया वो पूरे जीवन उसी में रमा रहता है और उसको कोर्ट कचहरी से निजात नहीं मिल पाता। अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। लेकिन बस्ती जिला प्रशासन द्वारा इन भ्रांतियों को तोड़ते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल किया गया जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाजिर बनने जा रहा है। बस्ती जनपद में पिछले कई दशकों से लगभग 49,500 मुकदमे पेंडिंग थे, जिसका मात्र कुछ ही दिनों में निस्तारित हो सकता था, लेकिन कानूनी दाव पेच के कारण इन मुकदमों की फाइलें 10 से 20 साल से भी अधिक समय से राजस्व और चकबंदी न्यायालय में पड़ी धूल फांक रही थी। DM अंद्रा वामसी की एक पहल से अब इन मुकदमे का न सिर्फ त्वरित निस्तारण हो रहा है बल्कि आम जनमानस को भी भागदौड़ से मुक्ति मिल रही है। आपको बता दें कि बस्ती जनपद में राजस्व, फौजदारी और चकबंदी न्यायालय में धारा 24, 116, 30, 34, 76 आदि के लगभग 49,500 मुकदमे पेंडिंग हैं, जिसका निस्तारण आसानी से किया जा सकता है, जिसके निस्तारण की जिम्मेदारी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी द्वारा खुद संभाली गई और उन्होंने सभी न्यायालय को आदेशित किया है कि प्रतिदिन कम से कम 200 मुकदमों का निस्तारण किया जाए। जब तक टारगेट के हिसाब से मुकदमे का निस्तारण नहीं होगा कोई भी अधिकारी अपना कोर्ट नहीं छोड़ेगा। DM के इस सख्ती का असर भी देखने को मिलने लगा है। बस्ती जनपद में मात्र 2 महीनों में 49,500 मुकदमों में से 35,000 मुकदमों का निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें से अब 32 राजस्व न्यायालयों में 15,000, फौजदारी में 29,000, गुंडा और शस्त्र न्यायालयों में 1,000, चकबंदी न्यायालय में 2,200 मुकदमे पेंडिंग है, जिसकी लिस्टिंग भी प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही है।
लगभग 49,500 के मुकदमे थे जो राजस्व का, चकबंदी का और फौजदारी का कुल मिला के। और विगत दो महीनों से दो ड्राइव चल रहा है मुकदमों का निस्तारण करने के लिए। उसमें से लगभग 31,500 के आसपास जो मुकदमों का निस्तारण हो चुका है राजस्व, चकबंदी एवं फौजदारी को जोड़। अभी वर्तमान में चकबंदी और राजस्व को कुल मिला के 15,500 के आसपास मुकदमा पेंडिंग है और जो फौजदारी है लगभग 2,500 के आसपास पेंडिंग है। अब हमारा जो मुख्य अभियान ये है कि 18,500 जो 18,250 मुकदमा जो वर्तमान में जो संचालित हैं, इसमें एक साल के ऊपर वाले हैं जो पेंडेंसी है लगभग 7,000 के आसपास। इसमें हम लोगों का यही है जो शासन से जो सर्कुलर आया था प्रतिदिन लगा के और नियमानुसार जो धारा 24 है, धारा 116 है, धारा 30 का है या धारा 34 का है, इनका जो दिन है निर्णय किया गया है इतने दिनों में निस्तारण होना चाहिए। प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू होते ही कानपुर के हैलेट अस्पताल में मरीजों का तांता लगना शुरू हो गया है। ओपीडी में सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। वहीं मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर बीपी प्रियदर्शी का कहना है कि इस ठंड के मौसम में सांस और स्ट्रोक के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। इसके साथ ही चेस्ट पेन और खांसी, जुकाम और बुखार के भी मरीज आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ठंड में सांस के मरीजों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं जिसके कारण उन्हें भर्ती होना पड़ता है। ठंड में सांस के बाद मरीजों को धूप निकलने के बाद वॉक पर जाना चाहिए और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े से ढके रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी कारण कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कानपुर में कोई पॉजिटिव मरीज नहीं आया है, लेकिन लोगों को कोविड से बचाव के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।